एग्रेसिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्जन को मुसरत साहब आगे रखती थी फिर नाइन्थ मई के एपिसोड के बाद भी हमने देखा कि जमान पाक के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी मुसरत साहबा मोस्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर मौजूद भी होती थी नौ मई जिस वक्त हुआ खान साहब अरेस्ट अरे हुए उस वक्त भी मुसरत साहबा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो खान साहब के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थी उन्होंने आपको बताया कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक पैगाम भी दिया गया था जिसमें कोड का इस्तेमाल था और वो कोड जो था वो दरअसल जो है वो आजम सवाती साहब थे जो खान साहब ने कोई बात की थी किसी कोड में और वो कोड का मकसद आजम सवाती साहब को एड्रेस करना देखिए ये वो का जवाब तो वो जो जवेद चौधरी का था एक कॉलम था कान था उसका जवाब तो ने दे दिया मैंने शायद सुना होगा जी जी मैंने सुना है लेकिन मैंने कहा क्लैरिटी के लिए जरा एक मतलब दोबारा वो उसमें का आप कह रहे हैं कि कि था ये इसका जवाब ही होना चाहिए ठीक है लिहाजा मेरा जवाब वही अच्छा ठीक, <laughs> ठीक है so, उस जो मुसर का था बडू पैगाम उसमें श्यामल ठीक है तो उसमें शामिल समझा जाए ठीक ओके <laughs> मुझे उसमें शामिल समझा जाए ठीक, 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 ठीक वो जवाब है तो बेसिकली आप कह दें कि खान साहब को आइडिया था कि आज मैं अरेस्ट हो सकता हूँ नहीं आइडिया नहीं पता था अच्छा उनको पता था पता था इनफॉर्मेशन थी वो ये कि यू कैन से एक वो इनफॉर्मेश हमारे पास पहले आई अच्छा तो हंसब को कहाँ से यहाँ से भी आई अच्छा तो आप कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आई तो हंसब को मुसरत ने है मुझे बताया तो मैंने कहा उन पर मैसेज कर दो। मैसेज किया तो फोन आ गया तो हंसब ने कहा आप कि ने कहा कि सुबह ना जाए हंसब ने कहा नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम ना गए तो वो घर पे हमला करें तो वर्कर भी परेशान होते हैं महल्ले वाले भी परेशान होते हैं ठीक नहीं है खान साहब ने रस्ते से एक वीडियो पे मैसेज भी दिया था नहीं रस्ते में नहीं तो हम सुबह जाएंगे लेकिन उसका वीडियो पैगाम हम बना देंगे अच्छा वीडियो पैगाम बना के निकलेंगे ठीक है तो मुसरत उनको बार बार कह रही थी कि हम ना चाहें अच्छा अवॉइड करें बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैंने उसे इशारा किया कि ना करो रिक्वेस्ट ना करो जब नीड्स कह रहा है तो तुम्हें हम हमने जाना है आप इसे एग्री करो ठीक है उसने एग्री कर लिया सुबह वीडियो बना के निकले थे सो इसका मतलब रात तकरीबन आप साढ़े बारह बजे आपने कन्वे कर दिया था कि हमारे पास तो इनफॉन पता था कन्फर्म भले इसमें कोई ऐसा नहीं कोई शक था है, नहीं, कोई शक नहीं पता था नहीं होना है ठीक है लेकिन ये बहल तो को नहीं थी कोई कि जिस तरह आप पहले तदत वाली बात ये बड़ी अनफॉर्चुनेट था और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीफ में ये आप भी वहाँ पर मौजूद थे कि सिर्फ मुसरत साहब थी नहीं मैंने खान साहब को भी मारा गया था डेफिनेट मारा गया था जिस पर रेस्ट कर रहे थे तो बड़े बड़ी अनफॉर्चुनेट है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क का सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक डेकोरेटेड पर्सन रिगार्डिंग अचीवमेंट्स वो वजारतज़मा की बात हो वो क्रिकेट कैप्टन के हवाले से हो वो फन थ्रेपिस्ट के हवाले से हो वो एक तारीख के राइट साइड पर खड़े होने वाला आदमी के हवाले से हो ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कोई बंदा उसके करीब करीब भी नहीं है कोई बंदा उसके घुटनों तक भी नहीं आता जितना डेकोरेटेड आदमी जितनी अचीवमेंट्स उसके उसके साथ मैंने आप कहने के सर पे अगर मारा जाए तो उनको बान से पकड़ के अवाम के सामने ले कर आया जाए बड़े घर था हम बहुत दुखी इस बार और मैं नहीं मेरी मैं अपनी बात नहीं इस मुल्क के इस मुल्क के कम अज कम बीस करोड़ लोग दुखी इस बात इस मुल्क के कम अज कम बीस करोड़ लोग इतने दुखी हैं कि आप सोच नहीं सकते तो उस उस पैच में जिस वक्त बाहर से खान साहब को अरेस्ट करने के लिए फोर्स आ रही थी खान साहब अंदर थे और बड़े चंद लोग थे जो सो खान साहब के साथ मौजूद थे कुछ आ, खान साहब ने कन्वे किया मैसेज नहीं नहीं वो वो, वो बड़े कम्फर्टेबल कूल एंड काम ही होता वो शीशे से बाहर नज़र आ रहे थे ना कि बाहर पहले तो खड़े हुए लोग खड़े हुए तो अचानक बड़े करीब आ मतलब जैसे होता है ना एक फॉमेशन एक बन जाती है नेचुरल चीज़ वो नेचुरल चीज क्रोज आना शुरू हो गया और उनका प्रेशर आना शुरू हो गया तो जो लोग पार्टी के खड़े थे बाहर वो सारे एक जैसे कहते ना एक जैसे उधर बीफ अप हो जाता है उस तरह वो उनको बाहर निकल गए और सिर्फ वो गए फिर शीशे तो जब वो शीशे तोड़ते थे साहब उस बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए थे जैसे जैसे बड़ा बड़ा एंड काम मतलब तैयार होता है लेकिन ये आप कहें कोई बंदा ये तो करे पर हम तो नहीं कर रहे थे और आंसर भी नहीं कर रहे थे कोई बंदा उन पर हाथ उठाएगा तो ये और फिर दूसरे लोग रिश्ते गौर साहब का सर फटा था नहीं नहीं बेरिशोर का नहीं एक वकील अली इन दोनों का अच्छा, सर अली और ठीक अच्छा चीमा साहब खान साहब गिरफ्तार हो गए और उसके बाद फिर मुल्क में जो कुछ हुआ वो भी आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब कुछ फेस कर रही है उसकी प्लानिंग किसी एंड पे क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि जूम मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी प्लान हो चुकी थी कि अगर खान साहब को अरेस्ट किया जाता है तो इस, इस जगह पर इस इस जगह से एहतजाज किया जाना तो Uh, मुझे यकीन है कि डेफिनेटली हर पार्टी की जो मीटिंग थी उसका आप या मुसरत साहबा तो डेफिनेटली जरूर हिस्सा होंगे तो कुछ डिस्कस हुआ था कभी मीटिंग्स में देखिए मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल दिन वो था जिस दिन हान सब को गोरियाँ लगी थी उस दिन अगर किसी जगह ऐत नहीं हुआ और उस दिन भी कितना मुश्किल था कि आप कह दे कि जी आप फलां जगह पहुँचे वो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए दुख की बात हानस की गिरफ्तारी से भी ज्यादा वो था जब हान सब ने गोरियाँ चली उस दिन अगर नहीं, नहीं हुआ तो बाद में क्यों होता है सो ये कभी भी प्लान नहीं हुआ ये तो कभी भी प्लान नहीं हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि पहले जब भी कभी वो इस तरह की चीज़ हुई है तो इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्रेजेंस कह लें या एक विजिबिलिटी विजिबिलिटी अदारों की कभी नहीं थी और जो कुछ भी होता था अंडर तस्लस होती थी, थी चीज़ें विजिबिलिटी नहीं थी दिस टाइम जो अनफॉर्चुनेट हुआ है ये विजिबिलिटी बढ़ गई प्रेजेंस या विजिबिलिटी बढ़ने से चीज़ें एक्सपोज हो गई जो शायद ना होती तो बेहतर था शायद यकीन ना होती तो बेहतर था सो so, आज अदारे भी मुश्किल हैं मुश्किल में हैं पाकिस्तान के अवाम भी मुश्किल में हैं। मुझे मेरी उम्र फिफ्टी नाइन ईयर है तो मैं अगर मेरा रोमांस है रहा है अदारों के साथ फिफ्टी सेवन ईयर्स तो फिफ्टी सेवन ईयर अगर मैंने एक रोमांस पाला रहा है कि जिस अदारे को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे मैं मायूस हो जाऊँ तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है मुझे पता लगे कि मैं बीठरे हो गया हूँ मुझे पता लगे कि मैं वाली जगह रोमांस करता रहा ठीक है या कुछ लोग जो हैं उन्होंने मेरा और अदारे का रिश्ता कमज़ोर कर दिया है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक नहीं हो गया मैं समझता हूँ कि इसको ए, इसको रोकने का जो मौका था अब आपके पास आठ फरवरी था। आठ फरवरी को जो कुछ हो गया उसके तो बाद आप कहते हैं जी हमारा तो कसूर नहीं है हमारे साथ ये ज्यादा हो गई ये ज्यादा हो गई था हमने थोड़ा सा नौ मई हमारे साथ गलत हुआ तो हमने किया अदरवाइज हम तो मतलब आम के फैसले को मानते हैं तो अगर आवाम का फैसला है तो ठीक है ये कर देते तो ईसान कुछ रिवर्स हो जाता वो ये बैक टू तो द नॉर्मल जिसे कहते हैं ये बैक टू द वन सिचुएशन चली जाती वो ना करने के बाद और आज भी अगर मतलब आप मतलब बैक वालों को बुलाते हैं जमा इस्लामी वालों को बुलाते हैं जलसे खड़ाते हैं दमने खड़ाते हैं मुस्लिम लीग नून के बंदे ही नहीं है पीपल पार्टी के पास बंदा ही नहीं रहा कोई लेकिन फिर भी वह नगर उन कहा देखे जाते हैं तो मतलब आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का वोटर नहीं है ये बंदा नहीं है तो फिर आप बैक बुलाना पड़ती है जमासमी बनानी पड़ती है और पी टी ए को डंडे पारा पी टी ए को देखते हैं लोगों को नजर आ रहा है ये जो है आप कह लें कि इस मुल्क का वापदा का बंदा किसी अस्पताल का डॉक्टर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर इस बेस पे फैसला करे यू कैन से कि यहाँ पे इरिगेशन के लोग हों कोई किसी भी अदारे के मीडिया के लोग हों इस पर इस पे फैसला करें कि ये बंदा जो है पी का है इसके साथ मैंने और सलूक करना है और ये बंदा जो है मतलब बैग का है या नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है तो मैंने इसके साथ ये सलूक करना है ये जुडिशरी करे मीडिया करे मुबणा वाले करें इरीगेशन वाले करें क्या नाम है एजुकेशन वाले करें हेल्थ वाले करें तो क्या मुल्क चल सकता है इस तरह क्या इस तरह मुल्क चल सकता है